नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी ने देखा होगा किस तरीके से एक टीजर आता है और रातों रात कुछ घंटों में सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाते हैं। जी हाँ, जहां हम बॉलीवुड बहिष्कार करने की बात करते हैं, वहीं पे बॉलीवुड की एक नई साजिश की भी आज जिक्र करेंगे। लेकिन आज वही बात करेंगे उस टीजर की जिसने पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया। रातों रात वो टीजर मिलियंस क्रॉस चली गई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने यश भाई की पार्ट टू जो आने वाली है, केजीएफ पार्ट टू, जिसमें कि जो टीजर आता है उसमें जो हीरो है अपना यश भाई है। पर इसके बारे में बताऊंगी, यश भाई कोई हमारे खानों के खान की तरह कोई बादशाह या पटौदे नवाब की तरह कोई अमीरजादे नहीं है। और उस फिल्म में ही हीरो के पीछे कोई गाड़ियां बड़ी बड़ी नहीं उड़ रही है, क्योंकि जहां आगे चल रहे हैं अपने यश भाई, वहीं पीछे वो साफ साफ दिख रहा है वो कोई राजा बनने का मंसूबे लेके नहीं चल रहा। वो एक ऐसा मसीहा है जो गरीबों का मसीहा, और पीछे गरीब है उनके साथ सारे वो लोग हैं जिनको कि उन पे भरोसा है, जिनको कि पता है कि ऐसा राजा बनेगा जो विश्व में शांति का एक स्थापना करेगा। उसमें दिखाया गया है माँ के वादे जिसे पूरा करने के लिए एक बेटा अपनी जी जान लगा देता है, वो शक्ति और आंख में जीता जागता एक अंगारे। लेकिन जहां हमने टीजर देखा, मैं टीजर को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जो चुप रहकर भी बिना आवाज के बहुत कुछ बोल जाती है। वादे, प्यार, मोहब्बत, कहीं ना कहीं वो जंग, एक्शन, थ्रिलर सब कुछ है उसमें। बस एक चीज नहीं है जिसके लिए बॉलीवुड हमेशा के लिए मशहूर है। जी हाँ, उसमें नहीं है तो नेपोटिज्म, उसमें नहीं है तो नग्नपना, उसमें नहीं है तो न्यूडिटी, उसमें नहीं है तो गंदी गंदी गालियां, और उसमें नहीं है तो हमारे देवी देवताओं का अपमान। ये नहीं है बस। लेकिन अगर ये चीज नहीं है और फिर भी ये मिलियंस रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है, और सारे रिकॉर्ड टूटने के बाद जब इतना आगे चला गया, तो हमारे बॉलीवुड वाले क्यों शांत रहेंगे। सामने से खुलकर बॉलीवुड स्टार्स के जो चहीते लोग हैं, हमारे खान गैंग के जो फेवरेट्स हैं, वो खुल के सामने आके विरोध कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा इन्होंने फेमस कर दिया, एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चला गया, केजीएफ पार्ट टू तो कॉपी है, ये तो आपका संस्कार है, आपके खून में है, आपके रगों में है चोरी करना, कॉपी करना और उसके पर फिल्म बनाना। लेकिन ये केजीएफ पार्ट टू ना ही कोई कॉपी है, ना ही किसी का रीमेक है, ये ओरिजिनल है। और ये जो अपना एक्टर है, जो अपना हीरो है, जो यश भाई है, ये भी रियल है। दोस्तों, जो अपना यश भाई है, इनका नाम नवीन है एक्चुअली, और ये 1986 में इनका जन्म हुआ था एक ऐसे जगह कर्नाटका के एक हसन डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, ये एक बस ड्राइवर के बेटे थे। इन्होंने अपने जिंदगी में हर एक ऐसा दुख देखा, हर एक ऐसा कष्ट सहा है, और बहुत ही स्ट्रगल के बाद ये ड्रामा में आए। लेकिन 3 साल की उम्र से ही इनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं इनके खून में एक एक्टिंग, एक हीरो बनना और एक इस तरीके की चीजें थी, जैसा कि वो अपनी बायोग्राफी में खुद बताते हैं। और इनके एक्टिंग में बहुत कुछ देखने को मिला। इनका जो एटीट्यूड है वो सबसे कमाल की बात है। जब ये खुद फिल्म दुनिया में वापस आए, फिल्म में दुनिया में आए थे, तो इनके बड़े बड़े दाढ़ियों की वजह से इनको बोला गया था कि या तो आप दाढ़ियां कटवाओ, नहीं तो यहां से रफू चक्कर हो जाओ। लेकिन भाई ने इस बात को लेकर एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला ये दाढ़ियां भी नहीं कटेगी और फिल्म दुनिया में इतिहास भी रचूंगा। आज बड़े बड़े बॉलीवुड वालों के मुंह पे कालिक पुत गई, चाहे वो हमारे खान गैंग ही हो, चाहे वो बड़े बड़े हस्ती नेपोटिज्म के बच्चे, सॉरी नेपोटिज्म स्टार ही क्यों ना हो, सबके मुंह पे कालिक पुत गई। लोग कहते नहीं थकते कि अरे ये तो कॉपी है, अरे ये तो कॉपी है, क्योंकि कहने में कुछ बचा नहीं ना। वो क्या कहेंगे, क्योंकि सबको पता चल गई कि वो कितने पानी में है और उनकी औकात क्या है। और बात करूंगी अपने यश भाई की, दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में भी बहुत ही संस्कारी और बहुत ज्यादा सनातनी है। कारण इसका ये है क्योंकि इन्होंने जिनसे शादी की है उनके साथ आप इनकी कोई भी फोटो विकिपीडिया पे देख लीजिएगा, एक भी फोटो में आपको इनका अंग प्रदर्शन नहीं दिखेगा, ना ही इनकी आराध्य, इनकी जो पत्नी है अर्धांगिनी, उनके साथ उनका कोई इस तरीके का कोई इनको करते हुए देखेंगे आप। तो ये इंसान आते ही जिसने गदर मचा दिया है, जिसकी आंखों में सैलाब है, तूफान है, एक अलग सा अंगारा है, एक अलग सा अंगार है उस इंसान का ये टॉलीवुड साउथ इंडियन फिल्म जो है, जो हर भाषा में रिलीज होने वाली है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हर भाषा में होगी। मतलब जिसकी जितनी जैसी फीलिंग्स होगी, वो अपने भाषा में अपनी फीलिंग्स को ज्यादा महसूस कर पाएंगे, उस फिल्म से ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। अब इस फिल्म को लेकर आपको लगता है कि सामने वाले चुप होंगे, बिल्कुल भी नहीं।
तो इस फिल्म को लेकर सामने से बहुत सारे ऐसी चीजें उठ उठ कर आ रही हैं, क्योंकि सबके पीआर टीम एक्टिवेट हो गई है ये कहने के लिए, क्योंकि सबको ये लगता है कि बहुत बड़ा तमाचा लग गया है हमारे चेहरे पे, क्योंकि यश भाई ने जहां पे बॉयकॉट बॉलीवुड, बड़े बड़े फिल्म जहां फ्लॉप हो रहे हैं वहां पे ऐसे फिल्म लेकर आते हैं जिसका टीजर, जहां लाइक और डिसलाइक का मौसम चल रहा था, उसका टीजर नहीं सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो यकीन मानिए जब वो फिल्म आएगी तो इन बॉलीवुड वालों के साथ क्या होगा, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। साथ में दोस्तों, इस फिल्म और बॉलीवुड की बात हुई है तो मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारे करण जौहर साहब जो हैं, फुआ लगेंगी मौसी लगेंगी भगवान जाने बॉलीवुड की क्या लगती हैं, करण जौहर साहब जो हैं हमारी मैम जो हैं, उनकी एक फिल्म आपने याद होगा, शायद आप लोगों को पता होगा, सूर्यवंशी फिल्म पे काम चल रही थी, लगभग सुनने में आता है कि 300 से 400 करोड़ का लागत है, पर उनको पता है कि जैसे उस फिल्म को छुएंगे, कहते हैं ना कोयला को छुओ तो सोना बना देता है यश भाई, वहीं पे करण जौहर अगर अभी वो सोना को छुए तो वो भी कोयला बन जाएगा, ऐसी बात को उनको डर लगता है कि अभी सूर्यवंशी को रिलीज करे ना करे, उसमें हाथ लगाए ना लगाए, तो सुनने में आ रहा है हमारे अविश्वसनीय सूत्रों ने हमें ये बताया है कि ये फिल्म जहां प्रोड्यूस बाय करण जौहर होना था उसको अब वो अडानी जी को देने वाले हैं, 30% शेयर बेचने वाले हैं इस फिल्म का, जिससे कि प्रोड्यूस बाय यहां पे अडानी ग्रुप आ जाए, जिससे कि हम भारत की जनता हमारे करण करण जौहर के बनाई हुई फिल्म को देखने चले जाए, बेवकूफ बन जाए, जो कि संभव है नहीं, फिर भी कोशिश करने दीजिए, हम तो यही चाहते हैं कि धीरे धीरे औकात पता चल जाए। औकात से याद आया महानालायक जी, आपको याद ही होगा किस तरीके से थोड़े दिन पहले हमें औकात दिखाते हुए नजर आ रहे थे, अभी टीजर उनको जरूर बोलिएगा देखने के लिए, ये अमिताभ बच्चन जी आप ये टीजर जरूर देखिएगा, ये टीजर स्पेशली आपके लिए है और आप जैसे लोगों के लिए है जो हम भारत की जनता को औकात दिखाना चाहते थे, शायद इससे आपको पता चल गया होगा कि KGF 2 ने अपनी एक छोटी सी टीजर की और भारत में पूरे विश्व की जनता ने उसको इतना सराहा, इतना प्यार दिया, जो रातों रात सारे रिकॉर्ड टूट गए। तो यश भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में सलार मूवी आ रही है दोस्तों सेम डायरेक्टर की, जो इसके साथ ही आने वाली है, तो उसके लिए भी इतना ही प्यार दीजिएगा जिससे कि पता चले इन बॉलीवुड वालों का कि अब आपका टाइम ओवर, और ये भारत की जनता डिसाइड करेगी, जैसे कि हमारी करीना बेबो ने बोला था कि हम तो इनवाइट ही नहीं करता, आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, तो हम भारत की जनता का बॉलीवुड देखने का कोई मूड नहीं है, इसलिए हम तो देखेंगे KGF 2, और KGF 2 देखकर एक आउटसाइडर को, एक टैलेंट को आज हम जवाब देंगे इन लोगों को कि जब भारत की जनता औकात दिखाने पर आती है तो अच्छे अच्छों को धूल चटाती है और अच्छे अच्छे को नीचे से ऊपर उठाती है। तो भाई ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है दोस्तों, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, वो एक बस ड्राइवर के घर में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने बता दिया कि मैं आउटसाइडर तो हूँ, गरीब तो हूँ, लेकिन जो एक्टिंग है ना वो रियल लाइफ में, जो रियल एक्टिंग होती है ना वो नेपो किड्स में, वो पैदाइश की खून से नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं टैलेंट में होता है। तो ये बात हमें अब दुनिया को बतानी है, और थैंक यू सो मच जो आप लोग जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये बॉलीवुड वाले दिख रहा है इनकी औकात, तो अब KGF 2 की टीजर अब कहाँ जाके रुकती है ये देखने को मिलेगा। जय हिंद।